हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज फैमिली में है बर्थडे, तो मैं मम्मी के घर जा रही हूँ बर्थडे सेलिब्रेशन में एंजॉय करने, खाना खाने मम्मी के हाथ का। और मम्मी से मिलने का बहाना ही चाहिए। शादी के बाद जो वैल्यू मम्मी की पता चलती है कि माँ क्या होती है, माँ के इमोशंस और प्यार क्या होता है, वो शादी के बाद ही एक्चुअल फील कर पाते हैं हम। तो मम्मी के साथ जो भी मेमोरीज होती है मैं कैद करने की पूरी कोशिश करती हूँ। इसीलिए मौका मिला है मम्मी के पास मम्मी से मिलने जाने का। उनकी तबीयत भी ख़राब थी, तो उसके साथ ही मैं सारी वीडियोस शेयर करूंगी। आप बने रहना मेरे साथ। तो फटाफट हो जाती हूँ मैं रेडी। कुछ रेडी होने के लिए करना नहीं है, मैंने बस थोड़ा सा लिवॉन लगाना है क्योंकि बाल फ्रिजी हो रहे हैं। मंगलवार का दिन है, आज बारिश भी हुई थी और मौसम बहुत ही ठंडा ठंडा है, तो लिवॉन लगा लेती हूँ। एक्चुअली बाल बहुत फ्रिजी हो जाते हैं, इसलिए मैंने लिवॉन लगा लिया और रास्ते में से ही केक पिक कर लिया था। टन टन, ये रहा हमारा केक, ठंडा भी हो चुका है। तो केक लेके जाने की जिम्मेदारी मेरी हो गई है, तो केक लेके जाना है। आगे मैं रैपिडो बुक करूंगी या फिर ऑटो लूंगी, तो मेरे साथ बने रहना। तो ये पहुंच गए हैं हम समोसे वाले की दुकान पे, मम्मी के ऑर्डर के तहत समोसे लेने। और वहाँ के मुझे सरप्राइज मिला, ये लक्ष्मी, ये भी आ गई और मैं भी आ गई और सेम टाइम पे ही दोनों टपक गए एक ही दुकान पर। और अभी हम समोसे वाले भैया की दुकान के अंदर बैठे हुए हैं, समोसे बनने का वेट कर रहे हैं क्योंकि वो हमें बने मिले ही नहीं, जो हमने ऑर्डर दिया था उस टाइम तक वो बने मिले ही नहीं। तो अभी हम बैठे हैं वेट कर रहे हैं समोसे बनने का, उसके बाद हम इस लगेज को लेके ढोके जाएंगे। सोचा था रैपिडो पे अकेले हवा खाते हुए जाऊंगी, इसे भी लादना पड़ेगा, अकेले नहीं छोड़ सकते, छोटी बच्ची है। और कुछ लिखे दो, वो आगे दिखाते हैं हम। और कुछ लिखे दो। ये देखो मौसम कितना क्लाउडी हो रहा है, मौसम खराब हो रहा है जिसके चलते रैपिडो आज पिक नहीं हो पाई। तो जैसे तैसे हम पहुंच जाएंगे, लेकिन भूख लग रही थी तो सोचा मोमोज ही खा लें, इसलिए मोमोज खाने के लिए हम रुक गए हैं। कोई नहीं, इतना चलता है क्योंकि रात हो रही है और इतना गुस्सा आ रहा है। फाइनली मिल गया ऑटो। फाइनली पहुंच गए मम्मी के घर। तो दोस्तों एट द एंड ऑटो पकड़ कर हम पहुंच गए मम्मी के घर। और मेरा सच में इतना मत्था ख़राब हो गया क्योंकि आधा घंटा पूरा वेस्ट हो गया। पहले रैपिडो नहीं आई, समोसे वाले ने समोसे बना के नहीं रखे, ऑर्डर दिया था रैपिडो बुक करी, रैपिडो नहीं आई। देन उसके बाद ओ माई गॉड, वेलकम हो रहा है। एंड में मूड थोड़ा सा और ख़राब हो गया, मौसम इतना सेंटी हो रहा है, तो सड़क जो थी थोड़ी स्लिपरी थी। ऑटो वाले से मैंने रॉन्ग टर्न लेने के लिए कहा, तो धचकी की वजह से मेरा आईफोन गिर गया, जिसकी वजह से आईफोन में एक छोटा सा क्रैक आ गया। अब मैं देखती हूँ वो टेम्पर्ड पर क्रैक आया है या मेरा फ़ोन बेचारा, मैं ये सदमा कैसे सहूँगी, आईफोन में क्रैक आ गया होगा। तो चलो मम्मी के यहाँ तो मैं फाइनली पहुँच चुकी हूँ। जैसे कि बताया मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है, लेकिन मूड उतना ही ख़राब हो रहा है क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग चुका है हमें पहुँचने में। बस सबसे इम्पोर्टेंट है इस व्लॉग की एंडिंग, खाना खाना है और निकलना है। हेलो हेलो, हम चाय पी रहे हैं। हाय, हेलो हेलो बुड्ढा, फिर वहाँ पर डालते तो यूट्यूब पर, हम तो डालेंगे यूट्यूब पे भी डालेंगे, सब जगह डालेंगे, जगह डालेंगे। देखो मेरी मम्मी कितनी चमक रही है, बेटी। हमारे यहाँ का सबसे एक्सपेंसिव केक जस्ट ₹300, टू लेयर का केक जस्ट ₹300। जिसे काटने वाला है नहीं वो अपनी पार्टी में मस्त है, उसे अता पता ही नहीं है। केक अभी कटेगा, हमें बटेगा, बाहर में जाए दुनिया। और सब इंजॉय कर रहे हैं केक को, केक समोसा पार्टी, कोई बेइज्जती नहीं है, ये तो अपना टेस्ट की बात है।
वो देखे थे गर्दन नीचे कर ली उन्होंने, और मम्मी ने जो बचा कुचा मैंने इतने सुंदर तरीके से लगाया था सब काट मारा। वहाँ कोल्ड ड्रिंक देखो क्या पैक बनाए जा रहे हैं, पैक पैक बनाए जा रहे हैं वो। वैसे भी करते हैं अब पेट पूजा और फिर निकलते हैं डिनर करने का टाइम हो चुका है। ये आशिकी का भूत है जो कि पैक बनाए जा रहे हैं। सर्दी और गर्मी मम्मी को नहीं है, मम्मी को सिर्फ मोटापा और सूजन है। ओके थैंक यू सो मच। क्या बात है क्या बात है। ये हो चुका है हमारा खाना रेडी। बेटा तू ला के चल उठ के। ओके मम्मी बाय बाय टाटा। तो दोस्तों हमारी हो चुकी है पेट पूजा और रात ज़्यादा हो गई है, घर से भी कॉल आ गई है, हम चल रहे हैं अपने घर के लिए। और ये हमारे साथ लगेज पैक कुछ होता ही है हमेशा की तरह। यहाँ मैं आ गई हूँ घर और सामने वीरवती वाटिका में हो रही है शादी। घर आते ही आतिशबाजी का नज़ारा देखने को मिला। अभी बारात चढ़ रही है।